एक महिला जब माँ बनती है तो एक नन्ही सी जान इस धरती पर अपने कदम रखती है। ये दुनिया का सबसे सुंदर क्षण होता है। माँ बनने के साथ ही महिलाओं को शारीरिक तौर पर दर्द झेलना पड़ता है। मेडिकल साइंस की तरक्की के चलते आज के समय में ऑपरेशन से डिलीवरी की जाती है, इसके बहुत से साइड इफेक्ट्स भी हैं। हालांकि आज की कहानी एक ऐसी महिला की है जिन्होंने 1 लाख से ज्यादा महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी की है। कहानी है उज्जैन की काशीबाई की। इनका जन्म साल 1924 में देवास के पास एक गांव में हुआ। बाद में इनका परिवार उज्जैन शहर में रहने लगा। काशीबाई को ताई कहकर बुलाया जाने लगा। ताई की शादी 13 साल की उम्र में हुई थी। इन्होंने स्वास्थ्य विभाग से ट्रेनिंग लेकर दाई के रूप में करीब 19 साल की उम्र में शासकीय नौकरी की। 36 सालों तक ताई ने स्वास्थ्य विभाग में काम किया। ताई ने उज्जैन के साथ साथ पड़ोसी गांव और तहसील में भी सेवा दी। कुछ साल बाद उन्होंने उज्जैन के प्रसूति केंद्र यानी मैटरनिटी सेंटर में दाई के रूप में काम किया। यहां उन्होंने रिटायर होने तक महिलाओं की डिलीवरी की। अब साल आया 2010, काशीबाई ताई रिटायर हुई, लेकिन इसके बाद उन्होंने घर से ही सेवा दी। साल दर साल उनकी उम्र बढ़ने लगी और तबीयत खराब रहने लगी। 3 साल पहले तक भी प्रेग्नेंट लेडीज अपनी हेल्थ और डिलीवरी डेट जानने के लिए उनके घर आती थी। साल 2024 में काशीबाई ताई की उम्र 100 साल से ज्यादा हो चुकी है। उनके बेटे अशोक पनवार बताते हैं कि कुछ दिन पहले ताई का स्वास्थ्य खराब हुआ था। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। शहर के बड़े डॉक्टर अजय निगम ने काशीबाई ताई को पहचान लिया। डॉक्टर ने उन्हें देखकर कहा, ताई आप लोगों को सही कर देती हो, आपको क्या हुआ? डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने शासकीय सेवा में इतनी सेवा दी है कि आंकड़ा तो याद नहीं, लेकिन इन्होंने 1 लाख से ज्यादा डिलीवरी की है। इतना ही नहीं, साल 1999 में वार्ड नंबर 20 में ताई कांग्रेस से पार्षद का चुनाव लड़कर विजय भी हुई थी। उन्होंने राजनीतिक करियर में भी अपनी सेवा दी है। लोकल 18 से खास चर्चा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विक्की यादव ने बताया कि उनका और उनके पिताजी को भी ताई ने जन्म दिया है। मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी ताई आसानी से बिना किसी ऑपरेशन के सफलतापूर्वक महिलाओं की डिलीवरी कर देती थी। वाकई ये किस्सा किसी चमत्कारी कहानी से कम नहीं। आइए सुनते हैं पूरी कहानी काशीबाई ताई के परिवार की जुबानी। हमारी माताजी श्रीमती काशीबाई पवार का जन्म करीब 1924 के आसपास का है और इन्होंने 19-20 वर्ष की एज में सर्विस ज्वाइन की। दाई के पद पर रहते हुए इन्होंने करीब 35-36 वर्ष सर्विस की है और इन शासकीय सेवा के तहत जो डिलीवरियाँ हॉस्पिटल में की वो तो की, लेकिन प्राइवेट में भी इन्हें वो ले जाते थे, घर पर भी डिलीवरियाँ करती थी। इनको रिटायर्ड हुए को 35 वर्ष हो गए हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी सेवाएं कंटिन्यू देती रही हैं और घरों पर लोगों के जाकर डिलीवरियां भी करती रही हैं और कई ऐसे बड़े बड़े नेता डॉक्टर के परिवार में भी इन्होंने डिलीवरियां की है ना। जैसा कि डॉक्टर अपने शहर के जो हैं विजय रावत, उनके बच्चे भी इन्हीं के हाथों के हैं। डॉक्टर बटुक शंकर जोशी, इनके बच्चे भी इनके हाथों के हैं। पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक हैं पारस जैन, इनके बच्चे भी, इनके भाइयों के बच्चे, इनकी बहनों के यहाँ के बच्चे, ये भी सब यानी इन्हीं के हाथों के हैं। क्या हमारे कांग्रेस के नेता विक्की यादव जी, ये स्वयं इनके दोनों भाई छोटे, ये भी इनके हाथों के हैं। और कांग्रेस के नेता पूर्व सभापति आज़ाद यादव जी, इनके यहाँ भी बच्चे, इनके यहाँ के भी बच्चे भी सभी माता जी के हाथों के हैं। जैसा कि अभी ये आईसीयू में भर्ती थी 5-7 दिन तक, उस वक्त डॉक्टर अजय निगम ड्यूटी पर हुआ करते थे और वो भी आते थे इनको देखने, तो उनका ये कहना था यानी डॉक्टर अजय निगम का भी कि कम से कम ताई ने 1 लाख डिलीवरियाँ कराई होगी, हो सकता है इससे ज़्यादा भी कराई हो। तो हमारा भी यही कहना है जो हम बचपन से देख रहे हैं हमारी माँ को, हमारे बड़े भैया मेरे पास बैठे हैं, तो हमारा भी ये मानना है कि इन्होंने 1 लाख डिलीवरियाँ तो निश्चित रूप से कराई ही है। इन्होंने क्या है कि शासकीय सेवा देते हुए इन्होंने कितनी डिलीवरियाँ कराई, ये तो खैर आंकड़ा हमें नहीं पता, ना बता सकते हम, लेकिन इन्होंने प्राइवेट में जो डिलीवरियाँ कराई और घर पर जो पेशेंट उन्होंने आते थे, उस अनुमान से हम ये बता सकते हैं कि कम से कम इन्होंने 45,000-50,000 के आसपास डिलीवरियाँ इन्होंने प्राइवेट घर पर
की होगी गोगो के घर पर। आज भी पेशेंट आते हैं, माँ साहब को दिखाते हैं, जिनको बहुत, जिन परिवारों को बहुत ज़्यादा भरोसा है माता जी पे, वो आज भी घरों पर आते हैं, दिखाते हैं। आई के मन में तो इतना उत्साह रहता है कोई पेशेंट आता है तो, कि ये बहू बेटियों के प्रति इतना, यानी कि इनका जज्बा है इतनी, यानी उनके प्रति समर्पित है कि ये बेटी या ये बहू अच्छे से निपट जाए, इसको डिलीवरी अच्छे से हो जाए और ये किसी प्रकार की परेशानी ना उठाए। शहर काजी जो हैं अभी मुस्लिम समाज के हैं, उनका जन्म भी इन्हीं के हाथों का है। मैं परफेक्ट आंकड़ा तो खैर बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मुस्लिम परिवार में भी ज़बरदस्त इनको भगाते थे, क्या वो दिखाते थे मिल्कवाड़ा चौराहे पर, मिल्कपुरा जो क्षेत्र है यहाँ का, पूरी मुस्लिम बस्ती है, यहाँ भी घर घर में यानी कि इन्होंने डिलीवरियाँ की है। इसी प्रकार मिर्जावाड़ी के भी प्रत्येक घर में यानी माँ साहब के हाथ की डिलीवरियाँ की हुई है। जय श्री महाकाल। आदरणीय काशीबाई पंवार हमारी दादी जैसी हैं और उनके अधिकांश किस्से मैंने मेरी मम्मी से, हमारे काका से सबसे सुने हैं। उस समय मेरा खुद का जन्म भी उनके हाथ का है। आदरणीय आनंद नारायण मीणा जी, आज़ाद यादव जी और भी शहर के बहुत सारे प्रतिष्ठित लोगों का की डिलीवरी उनके हाथों से हुई है। और जब चिकित्सा व्यवस्था नहीं थी तो उनकी उपस्थिति मात्र से ही, पूरे उनके आ जाने से, और उस समय रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक वो घर पे एक सहज उसमें आ जाती थी और एक पारिवारिक माहौल उनके साथ रहता था और पूरा घर एक सुकून की सांस लेता था कि अब काशीबाई जी आ गई हैं, अब कोई समस्या नहीं आएगी। आज के युग में अधिकतर डॉक्टर लोग ऑपरेशन की सलाह देते हैं, उस दौर में भी उन्होंने मेरे ख्याल से 95% डिलीवरी नॉर्मल ही कराई और उसी का उन्होंने प्रयास किया है। बहुत सारे बच्चे जिनकी डिलीवरी उन्होंने कराई आज कई बड़े बड़े पदों पे हैं। और उनकी आत्मीयता इतनी थी कि जब हम खेलते थे मोहल्ले में तो हमें गलती करने पे डांट डपट भी कर देती थी। तो एक ऐसा मातृतुल्य प्रेम भी सब बच्चों से करती थी वो, और उनकी डांट का कोई बच्चा बुरा भी नहीं मानता था और उनके माता पिता भी सहज रूप से उसको स्वीकार करते थे। मेरी, मेरे दोनों भाइयों की, मेरे पिताजी की, मेरे काका उनकी, मेरी बुआ उनकी, सभी की, मतलब मैं समझता हूँ कि पूरा, इवन हिंदू ही नहीं मुस्लिम परिवार में भी उनका जाना था। पीछे जो हमारे घर के पीछे काजी परिवार है, वहाँ उनकी काजी पूरा, गोंदा चौकी, सब्जी मंडी, खजूर वाली मस्जिद, अब्दालपुरा, बुधवार, या इस पूरे सर्कल में तो काशीबाई को ही लोग जानते थे और उन्हीं बुलाते थे। लोकल 18 उज्जैन से शुभम मरमट की रिपोर्ट।